हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग साइंस जीके की सीरीज चला रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जिसमें हमारा बायो का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज यानी कि बीमारियां। इसमें पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, पूरा डिजीज देखेंगे, कौन से किससे होती हैं, विटामिन की कमी से कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां विषाणु जीवाणु द्वारा होती हैं, जितने भी बीमारियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उन सभी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए थे रेलवे में, तो आपकी कंप्लीट ये हो जाएगा टॉपिक, जिससे आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, डिप्थीरिया, कॉलरा, लेप्रेसी, पर्ट्यूसिस, टेटनेस, प्लेग, सिफिल्स, जनहोरिया और सेमोलिंस। अब मैं बता दूं कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट है जो आप लोग को याद रखने हैं। मैं हिंदी में भी कराऊं क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर हिंदी में बताइए, तो आप लोग को मैं हिंदी में बताऊंगा सारी चीजें। तो हिंदी में आ जाइए, हिंदी में बताते हैं। फेफड़े का क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, तो आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। डिप्थीरिया बहुत बार पूछा जाता है। हैजा, कुष्ठ रोग, काली खांसी मोस्ट रिपीटेड है आप लोग, काली खांसी, उसके बाद प्लेग हो गया, उपदंश हो गया, उपदंश, सूजांग और सेमोलिंज, ये कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपका जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग याद रखिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो हमारे वायरस से होती हैं डिजीजें, जो वायरस से होती हैं यानी कि वायरस से होने वाले जो भी रोग हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो आपकी कॉमन कोल्ड होती है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कॉमन कोल्ड कौन से वायरस से होता है, तो राइनो वायरस होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा कॉमन कोल्ड होता है यानी कि सामान्य जुखाम। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, रेबीज तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रेबीज आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद हेपेटाइटिस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बच्चे इसको गलत करते हैं, लेकिन आपको हेपेटाइटिस याद रखना है, ये वायरस से होता है। उसके बाद मीजल्स हो गए, पोलियो, जो आपके पोलियो नहीं हो जाते थे बच्चों में, वो भी आपका वायरस द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा, मम्स, ये कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। सामान्य जुखाम आपका वायरस से होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चेचक, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेबीज तो बहुत ही बार। हेपेटाइटिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये याद रखना है। खसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंठमाला का रोग, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना मैंने टिक किया है इतना तो आपको याद ही रहना चाहिए। और एक मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि वायरस से जो जो डिसीजें होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, वो अधिकतर जानलेवा होती हैं। तो आपको ऐसे याद रखना, कोई बीमारी आज आपको नहीं याद आ रहा हो तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनसे आदमियों की जान जा सकती, जितने भी आप देखेंगे ये सब बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, तो जिनसे जान जा सकती है वो वायरस से अधिकतर बीमारियां होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो आपके प्रोटोजोवा द्वारा होती है, तो जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कौन सा है, अफ्रीकन सिकनेस, मलेरिया, डेंगू, ये सब जितने भी बीमारियां हैं, ये आपकी अमीबोबैसिस, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जो आपके प्रोटोजोवा द्वारा होती है। जैसे हिंदी में आएंगे तो अफ्रीकी नींद की बीमारी, मलेरिया, चगास रोग, अमीबोबैसिस, लेशमैनियासिस, ये लेकिन जो मैंने तीन बताए हैं ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अफ्रीकी नींद की बीमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मलेरिया, डेंगू, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी पूछता है कि कौन से प्रोटोजोवा होते हैं, जैसे कि मलेरिया पूछ लेता है कि किसके द्वारा होता है, अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के द्वारा होती है, तो इसमें सेसे करके होती है मक्खी बताती है, या मैं लिख दे रहा हूँ, सेसे मक्खी होती है जो आपके इसके काटने से आपका होता है, अफ्रीकी नींद की बीमारी होती है। मलेरिया जो फीमेल एनोपोलिस होती है, ये सारा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं जो आपके कवक द्वारा, जो फंगस होते हैं उनके द्वारा, एक एथलीट फुट्स होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चांसेस है इसके पूछे जाने के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिंग वॉर्म जो दाद खाज खुजली हो जाती है वो फंगस द्वारा होती है। ये कैंडियासिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पूछा जाता है एग्जाम में। जोंक इच यानी कि जोनोंग, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो फंगस का ये हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे कि जो विटामिन की कमियों से होता है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है यानी कि रतौंधी। विटामिन बी वन के कौन बीमारी होती है, बेरी बेरी होती है। बहुत बच्चे याद कर लेते हैं विटामिन बी, लेकिन विटामिन बी बहुत पार्टों में बटा हुआ, तीन पार्टों में बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी रख दिया है। बी वन से बेरी बेरी होती है, बी टू से जो आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो विटामिन बी टू की कमी से होता है। ये विटामिन बी ट्वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा दिखाऊंगा। ये जो अनीमिया होता है खून की कमी किस जिससे होती है, ये आपका लोहे जो आयरन होता है उसकी कमी से भी अनीमिया होता है, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से भी अनीमिया होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी चांसेस हैं पूछा जाएगा, क्योंकि आरआरबी में मैंने एनालिसिस किया, मैंने बहुत बार देखा है कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो उससे रिलेटेड भी पढ़ेंगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं सेशन करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम डेट भी आ गई है, तो बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएं, पूरा हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए ताकि आपको एक सिलेक्शन मिल जाए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। और आप लोग देखिएगा, आप लोग मेरा पूरा सीरीज कर लेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी पोजिशन पर रहेंगे, अच्छे स्कोर गेन करेंगे। इसमें देखते हैं फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है रोग, स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स, सूखा रोग जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन के जो ब्लड क्लॉट करता है, आपका खून का थक्का बनाता है, उसकी कमी हो जाती है तो जाहिर सी बात है खून का थक्का नहीं बनेगा तो आपका ब्लीडिंग होने लगेगी, आपको चोट लगेगी तो बहुत सारा खून बहेगा। तो कुछ ये बीमारियां थी जो आपके विटामिन से कमी से होती है। अब हम लोग बात करेंगे जो मिनरल की कमी से होती है, एग्जाम में भी पूछा जाता है यहाँ से, जैसे आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से पूछता है ज्यादातर। तो यहाँ कैल्शियम की बात करेंगे तो जानते हैं कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा वो रहता है, तो कैल्शियम दांतों के लिए भी बहुत जरूरी रहता है। जैसे आपका कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जो आपके मसूड़े रहेंगे वहां से खून निकलने लगेगा, तो ये आपके कैल्शियम की कमी से हो जाए। जो फॉस्फोरस होता है उनमें, ये भी फॉस्फोरस भी आपके दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। उसके बाद बात करते हैं आयरन। आयरन जो होता है आपका अनीमिया, मैंने बताया था आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, अनीमिया होता है, खून की कमी जिसे कहते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ज्वाइटर होता है, जिसको घेघा रोग कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। कॉपर, कॉपर की कमी से होता है जो आपके ग्रोथ जो होती है वो कम ग्रोथ होती है। तो ये कुछ मिनरल्स की कमी से था, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, मैंने बता दिया है। आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो हम लोग, हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करते रहिए, क्योंकि आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा तो आप लोग वीडियो मत देखिएगा दोबारा, आप लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे पीडीएफ से। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अब जो आपके वहां नहीं हो पाए हैं यहाँ कवर किए जाएंगे। जो आपका पेप्टिक अल्सर बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, सॉरी पेप्टिक अल्सर जो बीमारी होती है वो आपका जीवाणु द्वारा होती है, यानी बैक्टीरिया द्वारा होती है। उसके बाद बात करते हैं कि किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो मधुमेह यानी कि डायबिटिक पर्सन होता है, जिसको डायबिटीज होती है वो नेत्रदान कर सकता है, बाकी कोई नेत्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वायरस कंटेजियस होता है यानी कि संक्रमित होता है, वो फैल सकता है। तो मधुमेह संक्रमित बीमारी नहीं, आपको ऐसे अंदाजा लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। मधुमेह में होता है, कंटेजियस बीमारी नहीं होती है, एक से दूसरे तक नहीं पहुंचती है, इसलिए डोनेट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मधुमेह। देखिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आ गया है, ये किसके कारण होता है, ये मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोवा द्वारा होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। किस मक्खी द्वारा काटने से होता है, तो एक सेसे मक्खी के काटने से होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कंठमाला का रोग किसके कारण होता है, ये सारे मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं रखे हैं, ये सारे आपके एग्जाम में आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए जरूर ध्यान से देखिएगा। कंठमाला का रोग किसके कारण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा कंठमाला का रोग होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस का रोग किसके कारण होता है। हेपेटाइटिस का रोग मैंने बताया था
जीवाणु द्वारा होता है यानी कि वायरस द्वारा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के, रेलवे के, हेपेटाइटिस का पूछा जाता है और बच्चे इसको बहुत बार गलत करते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से आपका मलेरिया होता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, डेंगू जो है एंडीज मॉस्किटो होता है, एंडीज मॉस्किटो के काटने से होता है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। जो आपका एथलीट फुट रोग होता है किसके कारण होता है? एथलीट फुट मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो कवक होता है यानी कि फंगस इन्फेक्शन होता है एथलीट फुट, कई बार एग्जाम में आया है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आपको याद रखना है एथलीट फुट आपका कवक द्वारा होता है। काला जर, ब्लैक फीवर जिसे कहते हैं, काला जर का दूसरा नाम है ब्लैक फीवर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है काला जर, और ये किस मक्खी के काटने से होता है ये भी पूछा गया है, तो जो आपके बालू मक्खी होती है यानी कि सैंड फ्लाई, उसके काटने से होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया रोग आपका जो होता है विटामिन B12 से होता है कमी से, ये मैंने आपको बताया था। इतने ही क्वेश्चन आपके RRB ग्रुप डी में पूछे गए थे, और अगर आप लोग मुझे कमेंट में कहेंगे, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगेगा, आप लोग मोटिवेट करेंगे, तो मैं और अच्छे से कराऊंगा। मैं RRB ग्रुप डी के भी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा ताकि आपका और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को चाहिए RRB NTPC का साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं भी वो डाल दूंगा। थैंक यू, आज के हमारे सेशन में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।